हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। एक छोटा सा बेहतरीन क्वेश्चन लिया है, देखिए यार, है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन इसको करने का जो मेथड है वो मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, और मैंने काफी बच्चों को इसको गलत तरीके से करते हुआ देखा है, जबकि आंसर उनका मैच कर रहा है लेकिन मेथड बिल्कुल गलत होगा। वो मैं बताओ क्या वो गलती करते हैं। क्वेश्चन आसान है, अब कह रहा है कि 4 sin θ = 3 cos θ। अब ये कैसा लॉजिक है, देखो जरा ध्यान से, क्या मैं इस cos theta को नीचे ला सकता हूं sin के, और 4 को 3 के नीचे, तो क्या हो जाएगा, sin theta cos नीचे लाइए upon cos theta is equal to 3, और ये 4 को नीचे लाइए, what is sin upon cos, tan theta is equal to 3 upon 4। एक्चुअल में आपको ये दिया हुआ है कि tan theta का वैल्यू 3 upon 4 दिया है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू आप निकाल दीजिए। अब समझने वाला बात ये है कि tan थीटा एक फ्रैक्शनल नंबर है 3/4, ठीक है, और एक चीज का भी आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसी राइट ट्रायंगल की साइड के बारे में स्टडी बताता है, मतलब एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बनाया राइट ट्रायंगल, उसको मैंने नाम दिया मान लीजिए ABC। अब ये जो tan थीटा बराबर 3/4 है, ये तीन साइड्स हैं, यहां पर राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं सी वाले एंगल को, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस, तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो दिखाता है, और उन दोनों साइड के रेशियो को आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से जानते हैं, जिसको आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसाइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है tan थीटा 3/4, तो पक्की बात है ये इस राइट ट्रायंगल की किसी दो साइड का रेशियो गिवन है, और ध्यान रखना रेशियो गिवन है, उनकी दूरी गिवन नहीं है। कहने का मतलब, पहले बताता हूं कि tan थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो है, तो इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, निमोनिक है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, निमोनिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, मैंने हर वर्ड का पहला अक्षर रख लिया है जिससे आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये सोने का मतलब एस से हो गया साइन थीटा, चांदी का मतलब सी से कॉस थीटा, और तोले का टी ले लिया टेन थीटा। अब साइन थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो है, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसी कॉस थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ध्यान रखो हमें टेन थीटा दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको करते समय बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, आंसर आपका सेम आएगा लेकिन आपको मिलेगा इसमें बिल्कुल जीरो। क्या देखो, tan थीटा 3/4 है, और जबकि tan थीटा किसको दिखाता है, P/B को, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, और बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को 3 लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, और बेस को 4 लिख देंगे, और बस पूरा क्वेश्चन इसी स्टेप पर आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसका नियम समझ, बेटा आपको tan थीटा का रेशियो दिया है 3/4, मतलब दो साइड का रेशियो गिवन है, उन साइड की दूरी नहीं गिवन है, आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर को 3 लिख दिया है, देखिए मतलब दूरी AB 3 है, और 4 दिया है बेस को, 4 दिया बेस को, मतलब BC की दूरी 4 है, जबकि 3 और 4 वाले टर्म्स हैं ये दूरी है ही नहीं, ये तो tan थीटा है जो कि दो साइड का रेशियो है, तो याद रखो आप ऐसे रेशियो वाले टर्म को दूरी की तरह यूज नहीं कर सकते, तो कोई तरीका नहीं है इसको यूज करने का कि दूरी की तरह यूज कर ले, हाँ बिल्कुल है, जब आप यहां पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करो, वो किस तरह से, आप इसे 3/4 ना लिखकर एक कांस्टेंट ले लो के, और लिखो 3k/4 के, अब याद रखें ये रेशियो अब दूरी की तरह यूज किया जा सकता है, और यहां अब मैं 3 नहीं लिखूंगा, 3k लिखूंगा, और 4 की जगह 4k लिखूंगा, यही बस एक छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे एग्जाम में करते हैं, आंसर वही आएगा लेकिन तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा एग्जाम में, अगर आपने किसी कांस्टेंट को यहां लिखा नहीं,
वो कॉन्स्टेंट आप कोई सा भी टर्म लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा टेन थीटा एक रेशियो है दो साइड्स का, हम उसे दो साइड के रेशियो को दूरी की तरह यूज नहीं कर सकते। उसको दूरी की तरह यूज करने के लिए पहले मुझे रेशियो के अंदर एक कॉन्स्टेंट को लाना पड़ेगा, उसी के बाद मैं इसको दूरी की तरह यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब बेस मुझे पता है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ये तो एकदम आसान सा चीज है, पता ही होगा आपको, हाइपोटेन्यूज ए सी पता नहीं, बी सी इट्स 4k का होल स्क्वायर, ए बी 3k का होल स्क्वायर, कितना आएगा देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और ए सी कितना आया अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और k स्क्वायर का हो गया k, मतलब यहां से मेरे पास जो ए सी का दूरी आया वो आया 5k। अब चेक करो तीनों साइड आपके पास है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, वो यहां से मिल जाएगा आपको साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 3k, हाइपोटेन्यूज इज 5k, तो कैसे लिखेंगे 3k अपॉन 5k जो कि कट के क्या हो जाएगा 3/5। याद रखिए आंसर रेशियो में ही आएगा, लेकिन उसको दूरी की तरह यूज करना हो तो फिर उसमें एक कॉन्स्टेंट लगा दीजिए। इसी तरह से कॉस थीटा बताइए क्या आएगा, कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4k और हाइपोटेन्यूज AC दैट इज 5k, फिर कैसे के कैंसिल हो गया और कितना आया आपका कॉस थीटा 4/5। दोनों वैल्यूज को बस अपने एक्सप्रेशन में रखकर वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए वैल्यू निकाल कर लिखा 12 into sin theta, now what is sin theta, that is equal to 3/5 minus 7 cos theta, that is 4/5 whole upon 8 sin theta और plus 3 cos theta। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 12 theta 36/5 minus का 7 4 28/5 whole upon 24/5 plus 12/5। अब ऊपर और नीचे दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा देखो, एलसीएम 5 आ गया न्यूमरेटर में क्योंकि बेस सेम है, तो 5 लिखकर डायरेक्टली मैंने न्यूमरेटर को माइनस कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में एलसीएम देखो क्या आएगा, 5 ही आएगा, बेस दोनों का ही सेम है, तो डायरेक्टली मैंने न्यूमरेटर को एड कर दिया। ये कितना आ गया चेक करो, तो 36 - 28 ये हो गया 8/5 होल अपॉन, और ये हो गया आपका 36/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आया 8/36 कैंसिल भी हो रहा है, 4 2 8 और 4 9 36, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, आंसर आया आपका 2/9। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।